बेटे की कमी थी, अल्लाह ताला ने वो भी पूरी कर दी। वो भी इतना लायक और दिल वाला बेटा दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूं। ये लो, अब तुम इस घर के फर्द हो, बल्कि बहुत अहम फर्द। इतनी देर हो गई है, नादिया नहीं आई, मैं जरा उसे देखती हूँ। नहीं नहीं मारूख, तुम बैठो, तैयार हो रही होगी ना? आज वो बहुत खुश है, अब तैयारी में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आज मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है, आज दिल को सुकून मिला है मुझे। अहमद, मम्मी के साथ एक पिक्चर लेते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नादिया बेटा, अहमद को बाहर लॉन में लेकर जाओ, वहां जाके बातें करो, तैयारी की बातें करो ना, क्या करना है क्या नहीं करना सब सेट करो। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। मारुख, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। मारुख, इन दोनों को एक साथ वक्त गुजारने दो ना, इन दोनों के बीच तुम्हारा क्या काम? नई नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, एक दूसरे को समझने का वक्त चाहिए, बातें करनी है ने। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूं तुमसे? जब मम्मी ने मुझे तुम्हारे आने का बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बहलाने के लिए बोल रही हूँ। दिन में कई बार तुम्हारा नाम लेकर खुश करने की कोशिश करना उनकी आदत बन गई। माँ अच्छी तरह जानती हैं अपने बदतमीज और जिद्दी बच्चों का वीक पॉइंट। अच्छा तो यकीन आ गया ना तुम्हें? या भी कोई शक है वो भी कह दो। तुमने फैसला अपनी मर्जी से किया है या उसके पीछे कोई मसलहत है? सच सच बताओ प्लीज। क्या फजूल बात है, उसमें मसलहत क्या होनी है? और रिश्ते मसलहत से नहीं जुड़ते, खलूस से बनते हैं। इतना भी नहीं समझती तुम? अगर उस रोज को तुम्हारा इनकार ना सुना होता तो आज मेरी खुशी का आलम ही कुछ और होता। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकूंगी। अपनी बदकिस्मती पर यकीन हो गया था मुझे। नादिया, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? झूठ नहीं बोलूं, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही, शादी कभी मेरे प्लान में था ही नहीं। मारो किसी लड़की कभी कहती तो मेरा जवाब ना होता, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। एहसास हुआ इसलिए चला।